विचारिक मंदिरों में घूमती फिर रही है, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढ रहे समरिया और समरिया मिल नहीं जाए। जो आदमी अपनी बीवी का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा? और क्या कहते हैं, मैं तो फकीर हूं, भारी फकीर। 25 लाख रुपए का सूट पहनने वाला, 30,000 किलो की मशरूम की सब्जी खाने वाला बड़ा आलीशान फकीर है। तुम अपनी फकीरी हमें दे दो और सादाबाद की हमें भी तुम दे दो, हम देने को तैयार हैं। नरेंद्र मोदी तुम फकीर नहीं हो, फकीर तो हिंदुस्तान में महात्मा गांधी था। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए तो उन्होंने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से पूछा, मैं राजनीति करना चाहता हूं। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, पहले देश को समझो। वो बिहार के चंपारण के इलाके में गए, वहां एक बहन अपनी धोती साफ कर रही थी। उसने आधी धोती साफ की, आधी धोती लपेटी। महात्मा गांधी सूट बूट पहनते थे, टोप लगाते थे, टाई लगाते थे। महात्मा गांधी ने कहा, जिस वेले देश में मेरी बहन के पास बदलने के लिए साड़ी नहीं है, वहां ये लबादा हो मैं घूम रहा हूं। महात्मा गांधी ने नरेंद्र मोदी सूट बूट फेंक दिया और लगोटी लगाने का काम किया। इस देश में अगर कोई भगी था तो उसका नाम महात्मा गांधी के अलावा कुछ नहीं था। मैं तो फकीर हूं। तो मैं आज यही निवेदन आपसे करना चाहता हूं। कोई राजनीति का मतलब नहीं, हमारे मित्रों ने जिक्र किया था, गौ माता है तो फिर साढ़ इनके बाप हुए। ये माताजी और पिताजी ने फसल का सत्यानाश कर रखा है, इन्हीं को रोक दो। मां और पिताजी से मना करो कि किसान का नुकसान न करें, नुकसान जारी है। ये मेरे पास कागज है, आपको मालूम है, अगर आप नया कनेक्शन लोगे ट्यूबवेल का तो उसमें 18% जीएसटी। ये कागज मेरे पास रखा हुआ है, इसमें एक ट्यूबवेल के कनेक्शन का जो बिल है, ये गुंजन गुप्ता है, हमने 1,39,467 रुपया है, जिसमें 31,190 रुपया जीएसटी है। किसान क्रेडिट कार्ड पर भी 2% ब्याज लग करके आ गए। 4 साल बेमिसाल कफल पे जीएसटी। और ये जो आशिक मिजाज लोग हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि कागज पर भी जीएसटी लग गए। अब ये गाना भूल जाओगे, कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे लेना। कागज पर जीएसटी, कफल पर जीएसटी, किसान क्रेडिट कार्ड पर जीएसटी। अच्छे दिन आ रहे हैं। एक नया विवाद शुरू कर दिया अलीगढ़ में, गिरजा की तस्वीर का। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन्ना की जिंदगी के दो हिस्से, एक आजादी की लड़ाई का जिन्ना और एक पाकिस्तान बनाने वाला दिन। जिन्ना ने आजादी की लड़ाई में कई अंग्रेज से माफी नहीं मांगी, और जहां तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे का सवाल है, अकेले जिन्ना उसके लिए जिम्मेदार थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, डॉक्टर लोहिया की किताब है भारत विभाजन के गुनहगार। सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी को मौन स्वीकृत। महात्मा गांधी भी 1948 में मरे, जिन्ना भी 1948 में मरा। और जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो महात्मा गांधी और जिन्ना को श्रद्धांजलि देने की बात खत्म हो गई। मुझे एक मामले में जिन्ना के प्रति बहुत आदर। असीम आनंद जी, कायम आनंद जिन्ना शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे थे।
फिर वो भीम उमा जी नेता बाद में माता तिलक के वकील थे जिन्ना जिन्ना ने आजादी दिलाई में दिल भुट्टी की और इनका आदर्श कौन है सावरकर की तस्वीर लगा दी है संसद के केंद्रीय कक्ष में जब ये अंडमान निकोबार की जेल में भर्ती था सावरकर अंग्रेजों से माफी मांगी हुजूर आप हमें रिहा कर दीजिए हम जिंदगी भर आपकी गुलामी करें इतिहास गवाह है वो माफीनामा रखा हुआ है अंग्रेजों ने मेहरबानी करके सावरकर को छोड़ दिया और जितने दिन जिंदा रहा अंग्रेजों की गुलामी की जीत गाता रहा जिन्ना की तस्वीर लगी हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सावरकर की तस्वीर तुम्हें लगा दी संसद के केंद्रीय कक्ष में भाजपा के लोगों सावरकर की तस्वीर को हटा दो वहां से बदल की तस्वीर को घटना किसी दिन समाजवादी पार्टी के सिखों के कार्यकर्ता सावरकर की तस्वीर को काट के फेंक देंगे कोई तस्वीर को बचा नहीं सकते 1925 के आरएसएस में ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे उन्होंने कहा आजादी की लड़ाई को हम बंगाल में नहीं चलने देंगे ब्रिटेन की रानी का स्वागत करते हुए मेरे पास फोटो है आरएसएस के लोगों का ये देश के गद्दार सर्टिफिकेट मांगते हैं सबका इनसे बड़ा गद्दार दुनिया में कोई नहीं रोज रोज मुसलमानों की नीयत पर शक उड़ाया जाता है शक उठाया जाता है आजादी की लड़ाई में तो हिंदू भी थे मुसलमान भी थे दाढ़ी वाले भी थे चोटी वाले भी थे ईसाई भी थे पादरी भी थे सब लोग मिल गए देश आजाद हो गया मुसलमानों के योगदान को तो भुला सकता है 1857 तक अगर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और उसके दोनों बेटों का सर गरम करके बहादुर शाह जफर के सामने परोस दिया अंग्रेज बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून ले गए रंगून में दफन किया बादशाह जफर बहुत बड़े शहर उन्होंने पूरी मेहनत लिखी उम्रे दराज मांग कर लाए के शहर दिन जो आजू में कट गए जो इंतजार में पर कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए दो गज जमीन मिली सूरे आए मेरी बदनसीबी है कि मेरी मातृभूमि दिल्ली में मुझे दो गज जमीन दफन के लिए नसीब भी हुई।